वेलकम टू कैम ऑप्टिमाइज सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल कैनिटिक्स का नेक्स्ट पार्ट जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अबाउट अपोजिंग रिएक्शंस एंड पेरा रिएक्शंस एंड कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन ताकि आप लोग को पता चल जाए जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँ और मुझे भी और भी एनकरेजमेंट मिले नया नया कंटेंट्स लाने के लिए आई हैव एनालाइज फ्राम द चैनल एनालटिक्स कि इस चैनल का वीडियोज़ जो लोग देखते हैं जो व्यूअर्स है वो सेवेंटी परसेंट ही नॉन सब्सक्राइबर्स होते हैं और थर्टी परसेंट सब्सक्राइबर्स होते हैं सो आई विल रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड आई विल मेक श्योर कि इस चैनल का हर एक वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल रहे और इसका कॉन्टेंट्स आपके लिए बहुत यूज़फुल हो आपको इस लेक्चर का पीडीएफ नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और प्रीवियस जो सब हम लोगों ने वीडियोस पढ़ा है केमिकल कैनेटिक्स में उसके रिलेटेड जो सब जैम का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन था वो हम लोगों ने ब्रेन ट्रेन सीरीज में डिस्कस किया है तो आप लोगों ने अगर वो वीडियो चेकआउट नहीं किया है तो प्लीज़ चेकआउट द वीडियो फ्रॉम द आई बटन सो लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द रिवर्सिबल और opposing रिएक्शंस तो यहाँ पे क्या होता है एक इक्वलिब्रियम रिएक्शन होता है बिटवीन ए रिएक्टेंट ए मान लीजिए एंड ए प्रोडक्ट बी तो यहाँ पे जो फॉरवर्ड रिएक्शन है मान लीजिए उसका रेट constant है k1 वन और जो बैकवर्ड रिएक्शन है मान लीजिए उसका रेट constant है के माइनस वन इसका मतलब ये है अगर हम लोग एक प्लॉट ड्रॉ करें बिटवीन द कंसेंट्रेशन इन y एक्सिस एंड टाइम अलोंग एक्स एक्सिस तो हम लोग को जो मिलेगा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज़ करता जाएगा ऐसे विद टाइम और प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़ीरो से स्टार्ट होगा क्योंकि एट टाइम जीरो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़ीरो होगा सो ये ज़ीरो से स्टार्ट होगा और ये इंक्रीज करता जाएगा विथ टाइम और एक टाइम में आके ऐसा हो जाएगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड दैट पार्ट विल कॉल एज इक्विलिब्रियम सो इक्विलिब्रियम में क्या होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सो नैट रेट ऑफ़ द रिएक्शन विल बी इक्वल टू जीरो नाव फॉर अपोजिंग रिएक्शंस जिसको रिवर्सिबल रिएक्शन भी नाम दिया जाता है उसका रेट लो जो होता है वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सो रेट आर वी कैन राइट इट एज माइनस ऑफ डी ए डी टी so this concentration is the concentration of the reactant a at any time t and this is equals to k1 into concentration of reactant a at time t minus k minus 1 into concentration of b at any time t so at time t kya hoga रिएक्टेंट ए का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ए माइनस एक्स होगा वो हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया है और बी का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा क्योंकि यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए का था ए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो एक्स मोल जो है ए का डिसोसिएट होके वो प्रोडक्ट में बन गया है सो so, वो x मोल जो डिसोसिएट हो गया प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है बी का सो so इसलिए बी का कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी होगा x. तो यहाँ से हम लोग रिप्लेस अगर करें तो हम लोग को मिलेगा माइनस ऑफ d a माइनस एक्स डी टी एंड इट विल बी के वन इंटू ए माइनस एक्स माइनस के माइनस वन इंटू एक्स नाउ इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस डी ए डी टी प्लस डीएक्स डी टी इक्वल्स टू के वन इंटू ए माइनस एक्स माइनस के माइनस वन इंटू एक्स अभी हम लोग को पता है जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है ए का वो एक कॉन्स्टेंट था इसलिए डी ए डी टी जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा तो हम लोग को अल्टीमेटली मिलेगा डी एक्स डी टी विल बी इक्वल टू के वन इंटू ए माइनस एक्स माइनस के माइनस वन इंटू एक्स सो दिस विल भी द रेट लो फॉर अपोजिंग रिएक्शंस या फिर रिवर्सिबल रिएक्शंस इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एलेन ऑफ एक्सी डिवाइडेड बाई एक्सी माइनस एक्स इज इक्वल टू के वन प्लस के माइनस वन इंटू टी व्र एक्सी इज द कॉन्सेंट्रेशन of b at equilibrium so this is another rate expression so these are two important formulae for reversible or opposing reactions next we will discuss about parallel reaction सो नेक्स्ट वी हैव पेराल और साइड और कॉन्करेंट रिएक्शन तो यहाँ पे क्या होता है एक रिएक्टेंट से दो रिएक्शन साइमल्टेनियसली चलता है जैसे कि यहाँ पे एक रिएक्टेंट है ए तो यहाँ पे दो रिएक्शन साइमल्टेनियसली चलेगा एंड दो प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट इज़ बी एंड सी तो हम लोग मान लेते हैं जो फर्स्ट रिएक्शन है उसका रेट कांस्टेंट है के वन और जो सेकेंड रिएक्शन है उसका रेट कांस्टेंट है के टू सो इन दिस कॉन्करेंट या फिर पेरालल रिएक्शन वी कैन से द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ए विल बी द दाम ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बी एंड सी एट एनी टाइम सो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विल बी दाम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बी एंड सी एट एनी टाइम क्योंकि यहाँ पे ए जो है वो डिसोसिएट करके या फिर रिएक्शन करके बी और सी फॉर्म हो रहा है ए से ही बी और सी दोनों फॉर्म हो रहे हैं इसलिए जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए होगा दैट विल बी इक्वल टू द साम ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट एट एनी टाइम सो so, यहाँ पे जो रेट होगा रेट आर विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डी ए डी टी इक्वल्स टू के वन ए प्लस के टू ए क्योंकि जब एक सिंगल रिएक्शन होता है तब हम लोग लिखते हैं जैसे कि अगर हम लोग सिर्फ ये रिएक्शन कंसिडर करें तो हम लोग तब लिखेंगे माइनस ऑफ डी ए डी टी टू के वन इं टू ए फॉर दिस ऑनली रिएक्शन जो कि ए टू बी प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है और फॉर सिंगल रिएक्शन दैट इज ए टू सी जब प्रोडक्ट फॉर्म करेगा तो हम लोग बोल सकेंगे कि माइनस ऑफ डी ए डी टी विल बी इक्वल टू के टू इंटू ए तो अभी क्योंकि यहाँ पर बी और सी सेमल्टेनियसली फॉर्म हो रहे हैं विद द रेट कॉन्स्टेंट के वन एंड के टू सो वी कैन राइट द रेट एक्सप्रेशन एज दिस सो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एलन ऑफ ए बाई ए माइनस एक्स विल बी इक्वल टू के वन प्लस के टू इंटू टी सो दिस इज़ द रेट एक्सप्रेशन फॉर पेरा लाल और कॉन्ट्रिप्शन मैं इसका डिटेल्ड डेरीवेशन जो है वो डिस्कस नहीं कर रही हूँ सिर्फ जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूली है और रिजल्ट्स है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे ये जो एक्सप्रेशन है वहाँ से अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिराइवेशन करें तो हम लोग को फाइनली ये रिजल्ट मिलेगा इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एल एन ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इफ़ यू राइट इट एज ए नॉट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एट टाइम टी इफ़ यू राइट इट एज़ ए टी सो इट विल बी इक्वल टू के वन प्लस के टू सो दीज़ आर द टू फॉर्म्स ऑफ द सेम रेट एक्सप्रेशन सो फॉर दिस पेराल रिएएक्शन हम लोग बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम जीरो देट इज़ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन देट इज़ ए नॉट एक्सपोनशियल ऑफ माइनस ऑफ के वन plus k 2 into t. So, this is the expression for concentration of the reactant at any time t. Now, for the product B, concentration of B at any time t is equal to k 1 into initial concentration of A divided by k 1 plus k 2 multiplied by 1 minus exponential of minus of k 1 plus k 2 into t. This is the expression for the concentration of product B having a rate constant k 1 at time t. Similarly, for product C at any time t the concentration will be k 2 into a naught divided by k 1 plus k 2 1 minus e to the power minus k 1 plus k 2 into t. So, these are the three expressions for the reactant and the products at any time t. Q key B जो है वो फॉर्म हो रहा है विथ रेट कॉन्स्टेंट K1, वन so सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे K1 वन इंटू ए नॉट ये एक्सपोनेंशियल पार्ट है ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट है वो B और C दोनों के लिए सेम है और डिनोमिनेटर भी सेम है और C क्योंकि वो रेट कांस्टेंट K2 से फॉर्म हो रहा है सो विल राइट K2 टू इंटू ए नॉट और बाकी दोनों के लिए B और C के लिए कॉन्सेंट्रेशन का एक्सप्रेशन सेम है यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एट एनी टाइम टी डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एट एनी टाइम टी विल बी इक्वल टू के वन बाय के टू सो अगर एग्जाम में ऐसे फॉर पेरा रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स एट ए टाइम टी हम लोग को पूछ ले तो हम लोग क्या करेंगे सिर्फ रेशियो ऑफ द रेट कॉन्स्टेंट कर लेंगे दैट विल बी द आंसर So, अगर हम लोग को ऐसे एक पेरालाल रिएक्शन दिया हुआ हो जहाँ पे एक रिएक्टेंट ए से तीन प्रोडक्ट बन रहे हैं जैसे कि बी सी और डी विथ रेट कॉन्स्टेंट के वन के टू एंड के थ्री रेस्पेक्टिवली तब हम लोग बोलेंगे कि इसका रेट एक्सप्रेशन जो है वो ऐसा होगा एल एन ऑफ ए बाई ए माइनस एक्स विल बी इक्वल टू पहले था के वन प्लस के टू अभी होगा k1 वन प्लस के टू प्लस के थ्री इंटू टी दिस विल बी द रेट एक्सप्रेशन इफ देयर आर थ्री पेराल रिएक्शन गोइंग ऑन सो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी जो होगा दैट विल बी इक्वल टू ए नॉट एक्सपोनशियल ऑफ माइनस पहले था के वन प्लस के टू अभी होगा के वन प्लस के टू प्लस

minus k 1 plus k 2 plus k 3 into t. Similarly, for c and d we can write as follows k 2 into a naught divided by k 1 plus k 2 plus k 3 1 minus exponential minus k 1 plus k 2 plus k 3 into t एंड सिमिलरली फॉर डी भी होगा के थ्री ए नॉट डिवाइडेड बाय के वन प्लस के टू प्लस के थ्री वन माइनस एक्सपोनशियल माइनस के वन प्लस के टू प्लस के थ्री तो यहाँ पे अगर हम लोग को बोले कि रेशियो ऑफ द थ्री प्रोडक्ट्स बी इज़ टू सी इज़ टू डी तो ये क्या हो जाएगा के वन इज टू के टू इज टू के थ्री सो दीज सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मूली एंड रेजल्ट फॉर द पेराला और कॉन्करेंट रिएक्शंस सो नेक्स्ट जो है दैट इज कॉल्ड कॉन्जिक्यूटिव और सिक्वेंशियल और सीरीज रिएक्शन सो यहाँ पे जो है एक ही रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म होता है बट वो सीक्वेंशियली फॉर्म होता है जैसे कि ए टू बी देन इट अल्टीमेटली फॉर्म्स टू सी सो यहाँ पे अगर हम लोग मान ले रेट कांस्टेंट है के वन और यहाँ पे है के टू तो अगर एट टाइम टी इसका जो है कॉन्सेंट्रेशन एक्स हो और इसका वाई हो और इसका जेड हो तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए होगा दैट इज़ स्मॉल ए दैट विल बी इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एट टाइम टी सो वी कैन से दैट द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन स्मॉल ए विल बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए से ही अल्टीमेटली हम लोग को बी भी मिला और सी भी मिला एलोंग विद द रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सो वी कैन से लाइक दिस सो यहाँ पे रिएक्टेंट ए जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी विल बी इक्वल टू ए नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ पहले ए से साइमल्टेनियसली के वन और के टू रेट कॉन्सटेंट से दो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे थे ऐसे इन केस ऑफ पेरा रिएक्शन इसलिए हम लोगों ने लिखा था एक्सपोनेंशियल ऑफ़ के वन प्लस के टू इन टी लेकिन यहाँ पे हम लोग को स्टेप बाय स्टेप मिल रहा है सो फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने देखा है यहाँ से कि ए टू बी फॉर्म हो रहा है विथ रेट कॉन्सटेंट के वन सो इसलिए यहाँ पे होगा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के वन इंटू टी सो दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एट एनी टाइम टी नाउ फॉर द प्रोडक्ट बी एट एनी टाइम टी

एट टाइम टी कॉन्सेंट्रेशन जो है उसका एक्सप्रेशन ये होगा बी के लिए जो है एक्सप्रेशन ये होगा तो अल्टीमेटली यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एट टाइम टी दैट इज़ जेड विल बी इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए माइनस एक्स माइनस वाई तो हम लोग इसको बोल सकते हैं ऐसे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एट टाइम टी উল বিকুৱেল টু ইনিশিয়েল কনচেনট্ৰেছন টেট ইজ এ নাইনছ কনসেট্ৰেছ এট টাইম টি ডেট ইজে এক্স ছে ডিনোটাইট ইজ এ জিৰ দি পাৰ মাইনছ কেৱ টি মাইনছ কণ্ট্ৰেশ টাইম টি যো ইাই ডিনাই ডেট ইজ के वन ए नॉट डिवाइडेड बाई के टू माइनस के वन ई टू दावर माइनस के वन टी माइनस ई टू द पावर माइनस के टू टी सो दिस विल भी द एक्सप्रेशन फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट सी एट एनी टाइम टी सो जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए होगा उससे अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हम लोग को मिल जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एट टाइम टी सो यहाँ से हम लोग को कुछ इम्पॉर्टेंट प्लॉट्स डिस्कस करना है सो so दो केस हम लोग कंसिडर तो करेंगे पहला केस इफ रेट कॉन्स्टेंट के वन इज वेरी मच लार्जर देन द रेट कॉन्स्टेंट के टू That is, this rate constant K1 is very much larger than K2. तब क्या होगा B जो है वो बहुत जल्दी फॉर्म होगा लेकिन वो बहुत धीरे धीरे C में कन्वर्ट होगा तो हम लोग को क्या मिलेगा B will form sharply, that is, increase शार्पली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी जो है वो शार्पली इंक्रीज़ करेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जो है वो शार्पली डिक्रीज़ करेगा विल शार्पली डिक्रीज और सी जो है वो धीरे धीरे फॉर्म होगा सो सी विल इंक्रीज स्लोली तो हम लोग को प्लॉट कैसे मिलेगा सो so, अगर हम लोग प्लॉट ड्रॉ करें कॉन्सेंट्रेशन को y एक्सिस में रखें और टाइम को एक्सिस में रखें तो हम लोग को मिला है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ए जो है वो शार्पली डिक्रीज करेगा तो ये कोई एक कॉन्सेंट्रेशन से स्टार्ट होगा वो शार्पली डिक्रीज करेगा ऐसे ऐसे शार्पली डिक्रीज करता जाएगा बी जो है वो भी शार्पली फॉर्म होगा लेकिन डिक्रीज बहुत धीरे धीरे करेगा क्योंकि रेट कांस्टेंट के वन जो है वो हाई है बहुत के टू से सो so, फॉर्म तो होगा बहुत फास्ट लेकिन वो खुद डिसोसिएट होके सी में बहुत धीरे कन्वर्ट होगा तो हम लोग को कुछ ऐसा मिलेगा पहले ये ज़ीरो होगा ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन से स्टार्ट होगा फिर शार्पली ऐसे इंक्रीज करेगा फिर धीरे धीरे प्रोडक्ट सी में कन्वर्ट होगा और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी जो है वो बहुत स्लोली इंक्रीज करेगा तो पहले वो जीरो कॉन्सेंट्रेशन से स्टार्ट होगा फिर स्लोली ऐसे बढ़ता जाएगा सो दिस विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए दिस विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एंड दिस विल बी द कन्सेंट्रेशन ऑफ सी सो ऐसे हम लोग को प्लॉट मिलेगा नाउ विल डिस्कस द सेकेंड केस सो सेकेंड केस में इफ रेट कांस्टेंट के टू इज़ वेरी मच लार्जर देन के वन तो यहाँ पे अभी इनिशियल रेट कांस्टेंट जो है के वन वो बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू द सेकेंड रेट कांस्टेंट दैट इज़ के टू तो यहाँ पे क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विल डिक्रीज स्लोली क्योंकि के वन जो है वो बहुत छोटा है सो so, बी जो है वो भी धीरे धीरे बढ़ेगा सो बी विल इंक्रीज स्लोली उसके बाद क्योंकि सेकेंड रेट कांस्टेंट जो है वो बहुत बड़ा है इसलिए बाद में बी जो है वो शार्पली डिक्रीज़ करेगा और सी जो है वो शार्पली इंक्रीज़ करेगा सो so, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी विल शार्पली डिक्रीज एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी विल शार्पली इंक्रीज तो हम लोग को प्लॉट कैसा मिलेगा सो so अगर हम लोग इस तरफ ड्रॉ करें कॉन्सेंट्रेशन को एलॉन्ग वाई एक्सिस और टाइम को एलोंग एक्स एक्सिस तो क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ़ ए जो है वो बहुत धीरे धीरे डिक्रीज़ होगा इसलिए हम लोग को ए का प्लॉट कुछ ऐसा मिलेगा और बी जो है वो पहले स्लोली इंक्रीज़ करेगा उसके बाद शार्पली डिक्रीज़ करेगा सो so, स्लोली ऐसा इंक्रीज करेगा उसके बाद शार्पली ऐसे डिक्रीज़ करता जाएगा और C जो है वो शार्पली इंक्रीज करेगा तो इसलिए हम लोग को कुछ ऐसा प्लॉट देखने को मिलेगा दिस इज़ द प्लॉट इन दिस केस सो ऐसे केस में जहाँ पे जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है दैट इज़ यहाँ पे B जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन एकदम इनिशियली एट द इनिशियल स्टेज ऑफ द रिएक्शन और एकदम फाइनल स्टेज ऑफ द रिएक्शन इन दोनों स्टेज को छोड़ के बाकी एट ऑल टाइम्स ऑफ द रिएक्शन अगर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रहे तब हम लोग एक अप्रोक्सीमेसन लगा सकते हैं दैट इज़ कॉल्ड द स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन सो जनरली ऐसे देखा गया है कि जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है जैसे कि यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं बी जो है वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है सो इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रहता है सिर्फ इनिशियल स्टेज ऑफ द रिएक्शन को और फाइनल स्टेज ऑफ द रिएक्शन को छोड़ के बाकी हर टाइम में उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कॉन्सटेंट रहता है इसको हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन एंड दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट वो बहुत सारा रिएक्शन्स और रिएक्शन मेकानिजम में हम लोग को अप्लाई करना पड़ता है सो वी कैन से दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी दैट इज द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट प्रैक्टिकली रिमेन्स कॉन्स्टेंट एसेप्ट एट द इनिशियल And final stages of the reaction. This is known as steady state approximation. so this is very very important steady state approximation वो कहाँ पे apply हम लोग कर पाएंगे कहाँ पे apply करना पड़ता है वो जानना भी बहुत ज़रूरी है so let's discuss it now तो जब भी कोई intermediate product जो है वो unstable बनता है तब जाके हम लोग वहाँ पे steady state approximation को apply कर पाते हैं तो ये जानना बहुत बहुत important है क्योंकि कब हम लोग स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई कर पाएंगे वो हम लोग को बहुत इम्पोर्टेंट है जानना सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट वैन इंटरमीडिएट इज अनस्टेबल एस एस एज अप्लाइड सो so, हम लोग मान लेते हैं कि जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है वो बी है जैसे कि हम लोगों ने अभी इस कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन में डिस्कस किया है तो यहाँ पे अगर जो बी प्रोडक्ट है वो अनस्टेबल बना तब हम लोग बोलेंगे कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज़ इक्वल टू रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ बी सो इसको हम लोग अप्लाई कर पाएंगे जब भी हम लोग को अप्लाई करना होगा ऐसे ऑन ए पर्टिकुलर अनस्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ बी का जो रेट होगा वो इक्वल होगा टू द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ बी वैन बी विल बी ए वैन बी विल बी एंड अनस्टेबल इंटरमीडिएट तो ऐसे हम लोग एस एस ए को अप्लाई कर पाएंगे एस एस ए को हम लोग इस फॉर्म में अप्लाई करेंगे तो हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन द ब्रेन ट्रेन सीरीज फ्रॉम द जेम पी वाई क्यूज तब हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन में या फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में हम लोग कैसे एस एस ए को अप्लाई करते हैं सो so, आज के वीडियो के लिए इतना ही आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप लोग को अगर इस वीडियोस का कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एमोंग योर फ्रेंड्स एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड रेगुलर अपडेट्स आप इस चैनल को फेसबुक और टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग